हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। बस अगर आप एक दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी खिचड़ी भी खिली खिली ही बनेगी। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में साबूदाना लेंगे, में पानी ऐड करेंगे और साबूदाने को 3 से 4 बार धोएंगे। इसको मल मल के धोना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। ये देखिए, ये पानी वाइट वाइट हो गया ना, इसको निकाल देंगे और 3 से 4 बार धोएंगे। ये हमने साबूदाना 4 बार धो लिया है। अब हम इसमें 3/4 कप पानी डालेंगे और इसे 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब हम एक नॉनस्टिक पैन गरम करेंगे और उसमें मूंगफली डाल के उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब हम इसको मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा दरदरा पीसना है। ये हमने मूंगफली को दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे बाउल में डाल लेंगे। ये देखिए, अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और अदरक डालेंगे। इसका पेस्ट बनाएंगे। मैंने अदरक पिसी हुई ली है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये हमने धनिया, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, 6 घंटे हो गए हैं और हमारा साबूदाना एकदम से फूल गया है। ये देखिए, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। ये देखिए, गल गया है एकदम। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया था उसको डालेंगे। थोड़ी सी चीनी डालेंगे और स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। ऐसे मिक्स करना है कि जो ये मूंगफली है का जो पाउडर है ना, वो साबूदाने के ऊपर कोट हो जाए। मैंने एक नॉनस्टिक पैन को गर्म किया है और उसमें घी डाला है। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। इसको थोड़ी देर सॉट करेंगे। हमारी मूंगफली सॉट हो गई है, इसको हम साइड में कर देंगे। में जीरा ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। ये मैंने एक आलू उबाल कर उसको छील कर काट लिया है, वो डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे। अब हमने जो धनिए की पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हमने ये इसमें जो ये साबूदाना करके था वो ऐड कर देंगे। गैस कम कर देंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। गैस हमारी कम ही है। अब हम इसको ढक देंगे और 2-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए, हमारी खिचड़ी रेडी है। एकदम खिली खिली बनी है। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और मिक्स करेंगे। गैस बंद कर देंगे।
हमारी हरियाली साबूदाना खिचड़ी रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप नवरात्रि में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।